पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने बनबसा बैराज के 14 फाटक खोल दिए हैं। इसके साथ ही बैराज पुल से होने वाले आवागमन पर भी रोक लगा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी उफान पर आ गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने बनबसा बैराज के 14 फाटक खोल दिए हैं। साथ ही बैराज पुल से वाहनों के आवागमन पर रोक भी लगा दिया है। SDO प्रशांत कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैराज से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के डाउनस्ट्रीम जनपदों के जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने के लिए सूचित कर दिया गया है। पहाड़ों पर हुई अत्यधिक बारिश के कारण शारदा बैराज बनबसा में सुबह 7 बजे करीब 1,61,000 पानी पास हुआ। शारदा बैराज पर 1,00,000 से पानी पास अधिक होने पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और सारे व्हीकल का मूवमेंट जो होता है, वाहनों का आवागमन, उसे पूर्णतया बंद कर दिया जाता है। इस समय अभी भी शारदा बैराज पर 1,18,000 पानी पास हो रहा है। जो बारिश की पानी जो बैराज से नीचे जा रहा है, उसे साथ समय नीचे वाले जिलों को सूचित कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।